आपके ठीक ठाक। हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी शैल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय थ्री मेथड्स बिकॉज देर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी दैट व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ स्क्योर्ड वेरिएबल, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाइएस्ट पावर होती है वो टू होती है। And there's a standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals 0. While in two variables, the standard form of quadratic equation is ax square plus bxy plus cy square is equal to 0. So quadratic equation ko solve karne ke hamare paas teen methods hai. There are three methods to solve the quadratic equations. First method is by factorization, second method is by completing square, and the third method is by quadratic formula. So we shall see first of all the first method. I shall explain you the first method and then we shall solve the question relating to the first method. So on second and third. In factorization, we break the midterm bx into two parts, px and qx. So we should have p plus q is equal to b. तो यहाँ हमने क्या करना है कि जो second term हमारे पास है bx, उसके हमने दो हिस्से करने हैं px और qx. यानी p plus q को जमा करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, b आना चाहिए. And the second thing, the product of pq should be equal to ac, where a is the coefficient of x square and c is constant. दूसरी चीज जो हमने देखनी है वो क्या देखनी है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा पी क्यू का वो ए सी के बराबर होना चाहिए. टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी व्हाट इज ए सी. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज 42, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इज 42. इमेजिन ए इज 14 एंड सी इज 3. द प्रोडक्ट इज 42, देन वी शैल सी the possibilities of 42 by the two numbers, product of two numbers 42. For example, 1 cross 42, 2 cross 21, 3 cross 14, 6 cross 7. So we shall get the pair 6, 7, 3, 14, 1, 42 and 2, 21. तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है product क्या है AC का. उस product के हमने, उसके हमने possible chances बनाने हैं. अगर 42 हमारे पास है तो 1 ज़रब 42, 2 ज़रब 21, 3 ज़रब 14, इसी तरह से 6 ज़रब 7. तो ये 6, 7, 3, 14, ये हमारे पास इस तरह के पेयर्स बन जाएंगे. फिर हम देखेंगे किसके ऐड करने से, किन दो को ऐड करने से बी आता है. बिलफर्ज अगर बी हमारे पास 17 है तो हम लेंगे 14 एंड 3. उसके बाद जब वो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी तो फर्स्ट टू में हमने कॉमन लेने हैं और इसी तरह से सेकेंड टू में हम कॉमन लेंगे. पहली दो रकमों में कॉमन, वी शैल टेक कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स एंड वी शैल टेक कॉमन इन द लास्ट टू टर्म्स. एंड रिमेंबर दैट आफ्टर टेकिंग द कॉमन इन द ब्रैकेट, बोथ ब्रैकेट, द आंसर शुड बी सेम. तो जब हम कॉमन ले लेंगे जो दो हमारे पास ब्रैकेट आएंगे, जो कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में बचेगा वो दोनों ब्रैकेट्स में सेम होना चाहिए. तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आपको इस मेथड को समझा सके. आइए पहला मेथड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाँ, तो इसमें हमारे पास है 8x² प्लस 2x माइनस 3. तो हमारे पास जो दो पेयर बन रहे हैं कि मल्टीप्लाई से AC आ जाए और ऐड से B, वो बन रहे हैं 6 एंड माइनस 4. तो ये दो पेयर बन जाएंगे 6x माइनस 4x प्लस 2x की जगह. अब हमने क्या करना है, 8x² और प्लस 6x में से कॉमन लेंगे जो कि 2x है, बाकी बचेगा 4x प्लस 3. आगे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा 4x प्लस 3. अब 4x प्लस 3 कॉमन ले लें तो ये 4x प्लस 3 और 2x माइनस 1 हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा, जिससे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. x की वैल्यू माइनस 3 बाय 4 और x की वैल्यू 1. सेकंड मेथड जो है दैट इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट मेथड आउट ऑफ 3. तो दूसरा मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तकमील मुरब्बा भी हम उसे कहते हैं, और ये तीनों में मुश्किल तरीन है. लेकिन इसके पांच स्टेप्स आपने करने हैं याद. सबसे पहला स्टेप, द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1.
द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी वन, कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन होना चाहिए। अगर वो टू एक्स स्क्वायर है तो हम टू से डिवाइड कर देंगे। द सेकेंड स्टेप, द सेकेंड स्टेप, द कॉन्स्टेंट वैल्यू शुड बी आफ्टर द इक्वलिटी। कोई भी हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। एंड द थर्ड स्टेप, नाउ वी हैव टू टर्म्स, वट इज एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड एक्स, सो वी शैल मेक इट एज ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी। इन दिस केस ए इज डिफाइंड, हमें पता है ए क्या है, जिसका स्क्वायर है वो ए है। दूसरी चीज हमारे पास जो है वो टू ए बी है, उसमें से हमने ए और टू को निकाल के यानी टू ए से डिवाइड कर देंगे तो हमें बी मिल जाएगा। लेकिन इस मेथड में बड़ा सिंपल मैं आपको बता दूं, बी क्या होगा, जब हमने कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को वन रख लिया तो बी क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स का हाफ। सो वेरी सिंपल टू फाइंड द बी, बी इज द हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स। बिलफर्स फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज 3x then b will be 3 by 2, if it is 1 by 2x then b will be 1 by 4, remember 1 by 2 means half, means multiply by 1 by 2, so we shall find the b. The fourth step, add b square on both sides, add b square on both sides. And the fifth step, taking square root. So this is the method, when we take the square root we shall get another value with plus minus, we shall solve it with plus and minus and get the answer. तो बड़ा आसान है, जब हम उसका जजर ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्लस माइनस में राइट हैंड पे चीज आ जाएगी, तो उसकी मदद से हम इसको प्लस और माइनस दोनों से बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एट, कॉन्स्टेंट को हम ले जाएंगे राइट साइड पर, जैसे मैंने बताया था आपको। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ऑलरेडी वन है यहाँ पे, उसके बाद बी मैंने बताया था आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स का हाफ होगा जो कि माइनस नाइन बाई टू बन रहा है, तो उसके स्क्वायर को हम ऐड कर देंगे दोनों साइड पर, यानी 81 बाय 4 जो है वो दोनों साइड पर ऐड हो गया और लेफ्ट साइड पर ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया एक्स माइनस नाइन बाय टू का होल स्क्वायर। राइट साइड पर हल करने से आंसर आ रहा है प्लस माइनस 7 बाय 2। अब हम इसे एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ ऊपर देखिए जी, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया है 8 and 1। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है 8 and 1। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगरचे मुश्किल है लेकिन आपको अगर स्टेप्स पता हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ। अब हम देखते हैं लास्ट मेथड। द लास्ट मेथड इज वेरी इजी, इट इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड इफ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर देन वी कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हल करें तकमील मुरब्बा से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिल जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू। वेरी इजी मेथड, वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी कैन फाइंड ए, वी कैन फाइंड बी एंड वी कैन फाइंड सी बाय कंपेयरिंग the coefficients and just put the values in the quadratic formula. तो हमने करना क्या है, हमने just उसको standard form से compare करना है, जो हमें equation दी जाएगी उससे हमें a, b और c मिलेंगे और उसको हम put कर देंगे quadratic formula में, तो हमारे पास x की दोनों values आ जाएंगे, एक माइनस बी प्लस मैंने बताया और एक माइनस बी माइनस के साथ। तो अब हम देखते हैं इसको स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल। तो सवाल हमारे पास, से पहले हम देखें कि हमारे पास फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन। तो अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास 1 है, b 3 है और c माइनस टेन। तो हमने जस्ट इसको फार्मूले में पुट करना है और सवाल हल हो जाएगा। b की जगह हमने 3 पुट किया है तो माइनस ऑलरेडी था माइनस 3, और b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये हमारे पास आ गया है माइनस 3 प्लस माइनस 7 ओवर 2। अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे, तो हमने जब प्लस के साथ किया तो आंसर आया हमारा 2 और माइनस के साथ किया है तो माइनस 5।
तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है 2 - 5। तो सबसे आसान मेथड है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।